हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीवो वी सीरीज के अंदर दो स्मार्टफोन बहुत ही जल्द हमारे इंडिया में लॉन्च किया जाने वाला है, जिसका नाम है वीवो वी 29 5G और वीवो वी 29 Pro 5G। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वीवो वी 29 5G स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको वीवो वी 29 Pro का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मोबाइल फोन से रिलेटेड जनरल कंटेंट मिलते रहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका इस कृष्णा टेक पे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीवो वी 29 फोन के बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों, ये फोन आपको फुल ग्लास बिल्ड पे देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे फोन का बैक आपको ग्लास का मिल जाएगा, फोन के फ्रंट में आपको ग्लास मिल जाएगा और फोन का फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। और साथ ही इस फोन में आपको IP68 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है, जिससे कि डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस भी देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। आपका फ़ोन अगर भीगता भी हो तो आपका फ़ोन जल्दी ख़राब नहीं होगा। बात करें फ़ोन के डिज़ाइन की, तो फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी आपको गुड लुकिंग देखने को मिल जाएगा। कर्व एमोलेड वाला डिस्प्ले फ़ोन में देखने को मिलेगा और फ़ोन का थिकनेस आपको 7.5 mm देखने को मिलेगा और फ़ोन का वेट लगभग 186 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम और लाइट वेट आपको देखने को मिल जाएगा। फ़ोन के डिज़ाइन और फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वही बात करें फ़ोन में डिस्प्ले की, तो इस फोन में आपको मिल जाएगा 6.78 इंच के फुल HD+ AMOLED वाला पैनल, जिसमें आपको 1 बिलियन कलर्स मिल जाएगा। साथ ही इस फोन में आपको 120Hz का रिफ्रेशर देखने को मिल जाएगा, HDR10+ का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों, फोन का डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। फ़ोन का डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फ़ोन के डिस्प्ले से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वहीं बात फोन में प्रोसेसर की, तो इस फोन में आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर, जो 6nm फैब्रिकेशन पर बेस है। और इस चिपसेट का अंतुतु स्कोर लगभग आपको 5.5 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो डे टू डे टास्किंग, मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग इस फोन में आप काफी अच्छी कर पाओगे। बात करें कैमरा की, तो इस फोन के बैक साइड में आपको 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और 8 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और सेल्फी कैमरा की बात करें, तो सेल्फी कैमरा भी आपको 50 MP का देखने को मिल जाएगा। और इस फोन के बैक कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 30 FPS पे और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 30 FPS पे। बात करें फोन में बैटरी की, तो इस फोन में आपको मिल जाएगा 4600 mAh की बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए आपको मिल जाएगा 80W का टाइप सी पोर्ट वाला चार्जर। हालांकि बैटरी का साइज थोड़ा सा कम दिया गया है, लेकिन फोन का डिस्प्ले और फोन का चिपसेट अच्छा है, तो बैटरी बैकअप भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये फोन आपको आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको फॉन्टस 13 भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस फोन में आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। और साथ ही ये फोन आपको 3 वेरिएंट में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा, 8GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB। और बात करें फ़ोन के प्राइस की, तो इस फोन का बेस्ट वेरिएंट यानी कि 8GB 128GB वाले वेरिएंट का प्राइस इंडिया में लगभग आपको 33 से 34 हज़ार रुपये तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये फ़ोन? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था इस फोन का प्राइस, कमेंट करके जरूर से बताना। चैनल पर नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, ताकि हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लाते रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।